अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम मुल्तान सुल्तान की हाइलाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं कि मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर के खिलाफ कैसी बैटिंग। मुल्तान सुल्तान की तरफ से ओपनर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और हैंड्रिक आए थे। मोहम्मद रिजवान ने तो 5 बल्ले खेली तो पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी ने मोहम्मद रिजवान को आउट कर दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हैट्रिक की, हैट्रिक ने 27 बॉलें खेली और 40 रन बनाए। इस तरह एस रजा ने इसे बोल्ड कर दिया, यानी कि सिकंदर रजा ने इसे बोल्ड कर दिया। उस्मान खान आए, उस्मान खान ने भी बहुत ही अच्छी बैटिंग की। उस्मान खान ने सबसे ज्यादा स्कोर बनाया है मुल्तान सुल्तान की तरफ से। जो मैच जिताने वाले प्लेयर हैं उनका नाम है उस्मान खान। उस्मान खान ने ये मैच जितवाया है 55 बॉलों पर। इन्होंने 96 स्कोर मारा है जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान मैच जीती है। तैयब ताहिर की बात करते हैं तो तैयब ताहिर ने 14 बॉलों पर 21 रन बनाया है। इफ्तिखार ने 18 गेंदों पर 40 रन बनाया है। इन्होंने भी अच्छी बैटिंग की है, आते साथ ही इन्होंने भी छक्के चौके लगाने शुरू कर दिए और अच्छी बैटिंग की। इस तरह इनके छक्के चौके लगाने की वजह से लाहौर कलंदर पर और ज्यादा प्रेशर पड़ गया था। तो खुश दिल की बात करते हैं तो इन्होंने 2 गेंदों पर 3 रन बनाए। इफ्तिखार और खुशदिल नॉट आउट गए हैं। इस तरह मुल्तान सुल्तान ने 215 का टारगेट दिया और इनके 4 आउट हो गए। दोस्तों ये थी मुल्तान सुल्तान की हाइलाइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।